26 सितंबर को राहुल गांधी मंच पर थे, एक तरफ हुड्डा दूसरी तरफ सैलजा थी। दोनों का मनमुटाव खुलकर दिख रहा था, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार का सत्य है और अब इस सत्य को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने से हिचक नहीं रहा। यूनाइटेड लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। देखिए, अभी ही तो सब बातें हम लोग करते ही हैं, चाहे वो एकजुटता की बात करें, गुड़बारी थी, आत्मविश्वास ज़्यादा था, वो कॉन्फिडेंस से चले। खड़गे साहब ने, राहुल जी ने ये कहा कि इसको हमें और तय तक जाना चाहिए, अब देखते हैं वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है। कल सुबह दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी ने बड़े नेताओं की मीटिंग की। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा में हार इसलिए हुई क्योंकि नेताओं ने पूरे चुनाव में पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा। सूत्रों की माने तो भूपिंदर सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि हरियाणा की सही स्थिति को लेकर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने पार्टी नेतृत्व को सही जानकारी नहीं दी, वास्तविकता से पार्टी नेतृत्व को दूर रखा। कल की मीटिंग में हुड्डा शामिल भी नहीं हुए। सूत्रों के माने तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी नहीं बुलाया गया। हरियाणा में कांग्रेस चार गुटों में बंटकर चुनाव लड़ रही थी, एक हुड्डा का गुट, दूसरा सैलजा का गुट, तीसरे गुट के अगवा रणदीप सुरजेवाला और चौथा गुट सीधे आलाकमान से डील कर रहा था। सैलजा गुट खुलकर नतीजों के बाद से ही हार के लिए हुड्डा कैंप को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इलेक्शन की कमांड कांग्रेस के हाथ में नहीं थी, व्यक्ति विशेष या एक परिवार के हाथ में थी। भूपेंद्र हुड्डा की बात कर, हाँ बापू बेटे ही कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से लोगों को लगा भाई ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो 36 बरादरी की पार्टी है। तो जब वो 36 बरादरी वहाँ नजर नहीं आई तो पोलराइजेशन होगी, तो पोलराइजेशन सबसे बड़ा नुकसान हुआ। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए जाट वर्सेस नॉन जाट के सामाजिक समीकरण को जिम्मेदार माना जा रहा है। कांग्रेस के ओबीसी नेता भी चुनाव के कर्ता धर्ता की नीति रीति पर सवाल उठा रहे हैं। टोटल मिसमैनेजमेंट, जो हमारे प्रभारी जी थे वो अस्पताल में आइसोलेशन में थे, अगर आइसोलेशन में रहना था तो प्रभार छोड़ दिया होता ना, क्यों चिपके हुए थे प्रभार के? और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो चुनाव लड़ रहे थे। हमारे यहाँ जो है शैलजा जी ने कहा मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर बोला मुझे चौपर नहीं मिल रहा है। उसके बाद राहुल जी के कार्यक्रम के लिए हमारे पास वो आगे रोड शो करेंगे, उसके बाद जो है हमने तैयारी शुरू कर दी अपने, हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दिया राहुल जी आ रहे हैं, दोबारा फोन किया वहाँ बोला कोई ऐसा कार्यक्रम ही नहीं है। कांग्रेस के भीतर हार पर रार है तो बीजेपी सीधे राहुल गांधी को लपेट रही है। राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट है केवल जलेबी में था, उनका कांग्रेस के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो जलेबी को महिमा मंडित करके चले गए और लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी। अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल लेना चाहिए, अब पंजे को हटा के जलेबी रख लेना चाहिए। हार के कारणों की पार्टी तलाश कर रही है और सबसे बड़ा कारण सामने आ चुका है। पार्टी फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने वाली है जो हरियाणा में एक एक नेता से बात करके पूरी वस्तु स्थिति को समझेगी और फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।